Assalamualaikum students and my dear fellows. Today our discussion topic is about direct and indirect speech. First of all, you should know about what is difference between direct and indirect speech. Let's start discussion. Direct speech, it is a report of the exact word used by a speaker or a writer. It is also called रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच उस स्पीच को कहते हैं जब आप किसी से कोई बात सुने तो वो जो रिपोर्ट करने वाला है एग्जैक्टली वही वर्ड जाके बताता है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच. इन डायरेक्ट स्पीच इट इज ए रिपोर्ट ऑफ द एक्सचेंज वर्ड्स बट डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग. यानी कि अगर कोई बात किसी से सुनता है और जाकर अपने अल्फाज में बयान करता है तो लेकिन उसका कॉन्सेप्ट या फिर उस बात का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. जैसे कि इस एग्जांपल से सीखते हैं. ही सेज आई रिसाइट द होली कुरान डेली. अगर मैं यही जुमला जाके यही किसी दूसरे शख्स को कह दूं तो ये डायरेक्ट स्पीच है. जैसे कि मैं कह दूं ही सेज आई रिसाइट द होली कुरान डेली. और अगर मैं जाके कहूं ही सेज दैट ही रिसाइट्स द होली कुरान डेली, यानी कि हम सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट उसका नहीं चेंज कर रहे, उसका मीनिंग नहीं चेंज कर रहे, इट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस, अच्छा, ही सेज, ये जो कोमा से बाहर वाला हिस्सा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ठीक है, आगे आगे आपको ये टेबल भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है इफ़ यू वॉन्ट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई एंड वी है. पजेसिव केस, आई का क्या है, माई और माइन. ऑब्जेक्टिव केस, मी है. वी का आवर एंड आवर्स. ऑब्जेक्टिव केस, अस है. यू इज द सेकेंड पर्सन, इसका पजेसिव केस है योर्स. ऑब्जेक्टिव केस है यू. नाउ कम टू द थर्ड पर्सन, ही शी इट दे. या फिर किसी शख्स का नाम, जैसे कि अली हो गया, असगर हो गया, असलम हो गया, इनको हम थर्ड पर्सन कंसीडर करते हैं. ठीक है, और ही का क्या है, हिज पजेसिव केस, और हिम ऑब्जेक्टिव केस. शी का है हर या हर्स, पजेसिव केस है, और हर ही इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है. दे का देयर है और देयर्स है पजेसिव केस. देम ऑब्जेक्टिव केस है. एक इसका नॉमिनेटिव केस है जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. पजेसिव केस इसका इट्स है और ऑब्जेक्टिव केस इसका इट है. ओके, देयर आर सम चेंजिंग्स ऑफ वर्ड्स एज वेल. जब नाउ का वर्ड आएगा तो आपने देन भी चेंज करना है. दिस का आएगा तो दैट भी चेंज करना है. दीस का आएगा तो दोज में. अगो इनटू बिफोर, थस इनटू सो, हेयर इनटू देयर, टुडे इनटू दैट डे, टुनाइट इनटू दैट नाइट, यस्टरडे इनटू द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे. स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, यू विल हैव टू लर्न आल्सो दीज वर्ड्स ऑफ चेंजिंग. इनके वर्ड्स की चेंजिंग को भी लर्न करना है और आपने ये केसेस को भी लर्न करना, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि व्हाट फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन में क्या आ रहा है और थर्ड पर्सन में कौन से है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टुमोरो विल बी चेंज इन द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. लास्ट वीक विल बी चेंज इन टू द वीक बिफोर. नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक विल बी चेंज इन टू द वीक आफ्टर. ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपने इस वर्ड को याद रखना है, सन को, एस ओ एन सन. इसके नीचे आपने फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है और थर्ड लिखना है. यहाँ पे फर्स्ट से मुराद है फर्स्ट पर्सन,
सेकंड से मुराद है सेकंड पर्सन और थर्ड से मुराद है थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट से चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और थर्ड पर्सन जो को हम नोट चेंज है। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और किसी का नाम असलम अकरम आयशा, ये क्या होंगे? नहीं चेंज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो इन टूडेज टॉपिक। आई होप सो यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर फेलोज एज वेल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। ही सेज आई लाइक मैंगोज, ये सेंटेंस आपको आएगा। ही सेज, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? कोमा लिखा हुआ है, फिर आई लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज को उन्होंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है और एंड पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अब आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर ये ही को सब्जेक्ट शो किया हुआ है, सेज को वर्ब शो किया हुआ है। किस वजह से शो किया हुआ है? क्योंकि हमने इस रूल के मुताबिक, सन वाले रूल के मुताबिक इन सबको सोल्व करना है। अब देखिए, ही सेज, कोमा हटा के आपने डैट लगाना है। डियर फेलोज एंड माई डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के कर रहे हैं। कोमा हटा के दैट लगाया, और दैट के बाद हमने ही लगा दिया। ही क्यों लगाया? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करना था रिपोर्टिंग स्पीच के? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। That's why in replacement of I we are using here he. He के साथ हम क्या लिखते हैं? S, likes, यानी कि first form के साथ हम SEIES का इजाफा करते हैं। That's why we have written here likes. He likes mangoes. अब end पे आपने लगाया question mark. अब आपने inverted commas नहीं लगाने। Next, I say to him, you are a good boy. I से टू हिम या आई टेल हिम, जब आप से के साथ लगाएंगे तो टू लगाएंगे, टेल के साथ लिखेंगे तो आपने टू नहीं लगाना। टेल के बाद, टोल्ड के बाद, किस आस्क के बाद, किसी किस्म की प्रपोजिशन को हम यूज नहीं करते। आई से टू हिम, कोमा हटा के दैट। अब यू की जगह हमने ही क्यों लिखा? ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ड, ऑब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन है? यू जो है वो सेकंड पर्सन है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने टेबल को और चेंजिंग्स को लाजमी याद करना है। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करना है? ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। हमने यहाँ पे ही क्यों लगाया? क्योंकि हिम को हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, तो हिम की सब्जेक्टिव कंडीशन ही है। ही इज़ ए गुड बॉय। अब हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने, सिंपल फुल स्टॉप लगाना है। असलम सेज टू हर, कोमा, शी डज नॉट ईट चिप्स। असलम सेज टू हर दैट। अब शी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को नोट चेंज, ही शी इट दे को या किसी के नेम को आपने चेंज नहीं करना। एज इट इज ही सेंटेंस आ जाएगा, लेकिन हमने इन्वर्टेड कोमास अब नहीं लगाने। क्यों? कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर ही हमने दैट का इस्तेमाल किया है। वी से टू दैम, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। वी से टू दैम दैट दे। अब दोबारा दे क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड पर्सन नोट चेंज, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, एज इट इज ए सेंटेंस आ जाएगा।
Next sentence is, you say to me, Ali does not speak the truth. You say to me that, कोमा हटा के दैट लगा दिया, अली का हमने नेम ही शो कर दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, अली डज नॉट स्पीक द ट्रुथ. सायरा सेज टू मी, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे उठती है. अब इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आ गए हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आ गए हैं, तो कोमा हटा के हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स. सायरा आस्क मी इफ, कोमा हटा के हमने इफ क्यों लगाया या वेदर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले जुमले आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आ गए हैं. इफ ही, ही क्यों लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज. अब आपने क्वेश्चन वाले जुमलों के एंड पे जब हम इफ या वेदर लगा देते हैं तो अगला सारा सेंटेंस आपने सिंपल टेंस में ही चेंज करना होता है. अब ही गेट्स अप, अब गेट्स लगा रहे हैं, हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस ही, अली सेज टू देम, डू यू ईट मैंगोज. अली आस्क्स देम, अब देखिए आस्क के बाद हमने टू नहीं लगाया, सिर्फ आस्क, क्योंकि आस्क और टेल के बाद कोई किसी किस्म की प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. इफ या वेदर चॉइस इज योर, दे ईट मैंगोज, अब एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाया. वी से टू देम, व्हाई डू यू टेल अ लाई. वी आस्क देम, अब जब डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाले जुमले आ जाते हैं तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं और इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है. जब डू डस के आएगा तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ आएंगे तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिंपल सेंटेंस बना देंगे. वी आस्क देम व्हाई, लिख के अब आगे देखें, दे टेल अ लाई, हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर फेलोज. अल्लाह हाफिज़.